दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि YouTube में नए नए सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं, तो आप जो है क्रोम ब्राउज़र में YT स्टूडियो को ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में बहुत सारे क्रिएटर का YT स्टूडियो ओपन नहीं होता। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र में जो है अपना YT स्टूडियो को कैसे ओपन करके अपना सेटिंग जो पूरा कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जो है YT स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र ओपन करना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे सर्च बॉक्स बार में यहाँ पर सर्च करना है YouTube.com करने के बाद आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको YouTube का अपना चैनल का लोगो, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना। YouTube स्टूडियो पे जैसे क्लिक करते हैं आपका क्या होता है, जो आपको फिर से जो है YT स्टूडियो आपका ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ से देखिए मेरा YT स्टूडियो ओपन हो गया। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से बैग आ जाना। बैग आने के बाद आपको सिंपली जो YT स्टूडियो पे लॉन्ग प्रेस करना, ऐसे लॉन्ग प्रेस कर देना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे देखा है ऐप इन्फो, सिंपली ऐप इन्फो पे क्लिक कर देना। ऐप इन्फो पे जैसे क्लिक करते हैं YT स्टूडियो का सेटिंग ओपन हो गया। दोस्तों इसी से आपका जो है YT स्टूडियो ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ओपन सपोर्ट लिंक जो है इसको ऑन रहेगा तो सिंपली ऑफ कर दीजिएगा। ऑन है मेरा, ऑफ कर दें। यहाँ से आपको जो है यहाँ से बैक से ऐसे रिमूव कर देना कचरा, तीनों ऊपर बैक कर दें। उसके बाद सिंपली फिर से क्रोम में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से यहाँ पे होम वाले टैब पे क्लिक कर देना। सिंपली फिर से यहाँ पे YouTube.com सर्च करना। YouTube.com सर्च करने के बाद सिंपली जो है यहाँ पे फिर से आपका चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ चैनल के लोगो पे क्लिक कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे YouTube स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना। YouTube स्टूडियो पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए मेरा YouTube का बीटा स्टूडियो ओपन हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से जो है अपना YouTube का बीटा स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो हुआ आपका, यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड हुआ, वीडियो हुआ, एनालिटिक्स हुआ, कमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम देख सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो का कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से आप यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखाया है, या सेटिंग पे क्लिक करके आप अपना चैनल का सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों चैनल का सेटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख के आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।